फिल्म डिस्को डांसर से धमाल मचाने वाले एक ऐसे सुपरस्टार जो कि फिल्म अभिनेता, गायक, प्रोड्यूसर, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति और राज्यसभा के सदस्य भी हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ गौरांग चक्रवर्ती यानी मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें हम प्यार से मिथुन दा भी कहते हैं। कोई शक, एक जूनियर एक्टर के तौर पर उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और बाद में खुद को बॉलीवुड का एक अहम अभिनेता साबित किया। एक दशक तक मिथुन ने बॉलीवुड में किसी को भी अपने आसपास फटकने तक का मौका नहीं दिया। उन्होंने लगभग 350 फिल्मों में काम किया और खूब नाम कमाया। गोरों की नकालों की दुनिया है दिलवालों की। खबरदार, हमसे कोई रिश्ता जोड़ा तो नफरत है हमको रिश्तेदारी से। ये खूबसूरत रिश्तेदारी के पीछे मक्कारी और चालबाजी के सिवा कुछ नहीं होता। चल पैसे निकाल। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव का दौर तो आता ही है। जी हाँ, मिथुन दा जी की जिंदगी में भी वो दिन आया। इतने बड़े सुपरस्टार की जिंदगी का जो मुश्किल वक्त था 1993 से लेकर 1998 के बीच का था, जब उनकी लगातार फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप होती जा रही थी। इसी दौरान उनकी लगभग 33 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन उसके बावजूद उनका स्टारडम इस कदर डायरेक्टर्स पर छाया था कि इसके बावजूद उन्होंने 12 फिल्में साइन की थी। फिल्मों में काम कर मिथुन दा ने खूब नाम और शोहरत कमाई। हेलन के असिस्टेंट रह चुके मिथुन दा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें ये पता नहीं रहता था कि उन्हें दूसरे वक्त का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिथुन साहब ने सफलता का जलवा फिल्मों के साथ साथ अपने बिजनेस में भी दिखाया। जी हाँ, वो मोनार के ग्रुप के मालिक हैं जो अस्पताल और शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक काम करता है। इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य संघर्ष कर रहे कलाकारों की सहायता करना था। इसके साथ साथ वो फिल्म स्टूडियो सेटिंग और एलाइड मजदूर यूनियन के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य फिल्मी कामगारों की समस्याओं को दूर करना था। इसके बाद टीवी शो डांस इंडिया डांस में आपने इन्हें ग्रैंड मास्टर के तौर पर देखा ही होगा। बिना फिल्में किए ही मिथुन हर साल 240 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। इतना ही नहीं, मिथुन दा का नाम लिम्का बुक और गिनीज बुक में भी दर्ज है। मिथुन दा गरीबों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। मुसीबत हाथ में कोटा कलाई में कितना नारियल गिरा तू देगे? रुपीज 325 का नुकसान हुआ तेरे बाप देगे? व्हाट व्हाट किसका नारियल जम में? व्हाट अपन पुरानी बस्ती में रहता है, जब भी तुमको कोई काम आएगा ना अपन को याद कर लेना, ठीक है? खुदा तुम्हारा भला करे बेटा। अभी के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट व नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक एक लाइक व शेयर हमारे लिए बहुमूल्य है। अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई और जानकारी है तो अभी आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। धन्यवाद।